कैसे हैं दोस्तों आप सब। दोस्तों टाइम हो चुका है आज की मजेदार टॉप टेक न्यूज जानने का, तो चलिए आइए दोस्तों इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। दोस्तों आज की सबसे पहली टेक न्यूज की बात की जाए तो वो आ रही है पोको M3 को लेके। यहाँ पे इसका पोस्टर जो है वो लीक हो गया है, जिससे इसकी डिजाइंस जो है उसकी डिटेल पता चल गई है और यहाँ पे कलर ऑप्शन जो आपको अवेलेबल होने वाले हैं वो भी पता चल चुके हैं और ये सब इसके लॉन्च के पहले ही हो गया है। साथ ही साथ अब यहाँ पे देखा जाए तो डुअल टोन फिनिश भी आपको इसके अंदर देखने को मिल रही है, ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप भी है। इसके अलावा यहाँ पे सामने देखा जाए तो आपको वाटर ड्रॉप वाले स्टाइल में नॉच देखने को मिलेगी, 6.53 इंच की HD+ डिस्प्ले है। और इसके अलावा यहाँ पे बात की जाए इसके SoC की तो यहाँ पे आपको Qualcomm Snapdragon 662 SoC देखने को मिलेगा। वहीं दोस्तों इससे पहले कि हम आगे की टेक न्यूज की तरफ बढ़े, आप इस वीडियो को जोरदार लाइक दे दीजिए, जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिए और हाँ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कर लीजिएगा। वहीं दोस्तों इसके बाद आज की अगली टेक न्यूज की बात की जाए तो वो आ रही है Amazon Echo को लेके। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे इसकी Amazon Echo फ्रेम जो है अब वो सेल पे आ चुकी है। इसके अलावा यहाँ पे इस बार आपको इम्प्रूव्ड ऑडियो क्वालिटी और लॉन्गर बैटरी लाइफ भी देखने को मिलेगी। पहले क्या है, ये स्पेशल इनविटेशन के साथ सेल की जा रही थी, पर अब यहाँ पे जो है इसके लिए बुकिंग चालू हो चुकी है और अब यहाँ पे इस फ्रेम को कोई भी व्यक्ति जो है खरीद सकता है। और इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ कलर ऑप्शंस भी जो है ऐड कर दिए गए हैं। वहीं दोस्तों इसके अलावा अब अगली टेक न्यूज की बात की जाए तो वो आ रही है Asus के Chromebox 4 को लेके। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे ये 10th जनरेशन के इंटेल कोर प्रोसेसर के साथ लॉन्च किया गया है, जिसकी प्राइस जो है वो 21,400 रुपीस तक की अनुमानित की गई है। वहीं दोस्तों इसके अलावा यहाँ पे बात की जाए तो आपको 4GB और 8GB के रैम वर्जन्स देखने को मिलेंगे। वहीं इसके अलावा स्टोरेज की बात की जाए तो 32GB से 64GB तक EMMC स्टोरेज और 128GB से 256GB तक SATA SSD का ऑप्शन भी अवेलेबल रहेगा। वहीं दोस्तों इसके बाद आज की अगली टेक न्यूज की बात की जाए तो वो आ रही है सैमसंग की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी A12 5G का जो केस है उसकी इमेज लीक कर दी गई है और उससे हमको कुछ नई जानकारी पता चलती है उसके बारे में। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वाटर ड्रॉप स्टाइल में आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे स्क्वायर शेप में कैमरा मॉड्यूल आपको प्रोवाइड किया गया है, साथ ही साथ साइड माउंटेड जो फिंगरप्रिंट सेंसर होता है वो देखने को मिलेगा। वहीं अगर बात की जाए तो यहाँ पे देखने पे ये भी पता चल रहा है कि हो सकता है कि 3.5mm का ऑडियो जैक भी आपको इसमें देखने को मिल जाए। वहीं दोस्तों इसके बाद आज की अगली टेक न्यूज की बात की जाए तो वो आ रही है YouTube के अपडेटेड टर्म्स ऑफ सर्विस को लेके। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे शायद ये जो अपडेट है ये कुछ स्मॉल क्रिएटर्स को निराश भी कर सकती है, पर यहाँ पे हुआ ये है कि अब जो है स्मॉल क्रिएटर्स हैं उनकी वीडियोस पे भी ऐड तो रन किए जाएंगे। यहाँ पे ऐसी जो अभी अपडेट लेके आए हैं उससे ये पता चलता है कि एड्स तो रन किए जाएंगे, पर इस बार रेवेन्यू जो है उससे जनरेट होगा वो स्मॉल क्रिएटर्स को प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनने अभी तक जो है उनके 4000 घंटे और इसके अलावा 1000 सब्सक्राइबर्स के माइलस्टोन को कंप्लीट नहीं किया है, इसलिए और वो फिर ये कंप्लीट नहीं किया है तो इसलिए यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के भी जो पार्ट में नहीं कवर करते हैं, इस कारण से यहाँ पे अभी उनको रेवेन्यू तो नहीं प्रोवाइड किया जाएगा पर उनकी वीडियोस पे ऐड जरूर रन किए जाएंगे। और ये जो है फिलहाल रोल आउट किया जा रहा है US रीजन में, पर अगले साल तक ये सारे रीजन में कवर हो चुका होगा। वहीं दोस्तों इसके बाद आज की आखिरी टेक न्यूज की बात की जाए तो वो आ रही है जीमेल को लेके। जी हाँ दोस्तों, iOS के अंदर जीमेल के लिए कुछ नए विजेट्स को इंट्रोड्यूस कराया गया है, जिसकी मदद से आप होम स्क्रीन पे ही सर्च कर सकते हैं कुछ मेल्स को, यानी कि मेल्स को, और इसके अलावा नए मेल्स को कंपोज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कितने अनरीडेड मेल्स हैं। इसके अलावा दोस्तों काफी सारे और गूगल की एप्लीकेशंस में अपडेट भी लाए गए हैं, नए विजेट्स लाए गए हैं, जैसे कि ड्राइव और गूगल फिट में। इसके अलावा आईपैड में क्रोम अगर आप उपयोग में लेते हैं तो उसके लिए भी मल्टीपल विंडोज का सपोर्ट भी ऐड किया गया है। तो दोस्तों ये थे कुछ आज के टॉप टेक न्यूज। उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी और अगर ऐसा है तो इस वीडियो को जोरदार लाइक दे दीजिए, जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिए और हाँ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों मैं फिर मिलता हूं आपसे ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।